ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरेयानं नमो अच्छायानं नमो लोये सवसाहुनं। जय बोलो श्री आदिनाथ प्रभु भगवान की, जय बोलो श्री महावीर प्रभु भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जय बोलो 3,09,00,000 मुनि राजो की। बंधुओं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है, सब जीवों को धर्म में सन्मार्ग में लगाने वाली और आत्म कल्याण कराने वाली जिनेन्द्र वाणी है। जैसे बिना श्रद्धान अगर धर्म में नहीं हो तो वो जीव पंच परावर्तन संसार में भटकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव परिवर्तन करता रहता है। इसलिए धर्म के ऊपर जीव का श्रद्धान होना आवश्यक है। जैसे जिस प्रकार गूंगा मनुष्य चलने की इच्छा करे, जो पंगु मनुष्य है वो चलने की इच्छा करे, गूंगा मनुष्य बोलने की इच्छा करे, अंधा मनुष्य देखने की इच्छा करे, मगर उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। ऐसे ही कोई धर्म न करे और सुख की इच्छा करे, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि उसकी सत्ता में अगर पुण्य है तो वो पुण्य का फल देगा, पाप कर्म है तो पाप कर्म उसको फल देगा। क्योंकि जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही कर्म बन जाते हैं। आचार्य श्री वारसानु अनुपेक्का में आचार्य श्री कुंद कुंद कहते हैं, एको करोदि पुण्यम धम्मम निमित्तन पत्तदानेन मनुदेवोस जीवो तस्स फलम भुज्यति। एको, यह जीव किस कारण से यानी कर्मों के फलों को भोगता है? धर्म के निमित्त से देव गति और मनुष्य गति में कर्मों को भोगता है, यानी किस कारण से? तो पात्र के दान से। उत्तम, जघन्य और मध्यम, 3 प्रकार के पात्र रहते हैं। पात्र के दान से ही इस जीव को स्वर्ग संपत्ति मिलती है और उसे आनंद भी आता है। आहार दान में जब श्रावक कितना विवेक रखते हैं आहार देने में, कि मेरे हाथ से अंतराय ना हो जाए और मुनि राज की निर्दोष चर्या का पालन हो जाए और मुनि राज आत्म ध्यान ज्ञान में लीन रहे। मगर अगर प्रमादवश
किसी श्रावक से यानी आहार देने में अंतराय आ जाता है तो उसके मन में क्या होता है? पश्चाताप होता है। अब जैसे कल ही देखो आचार्य का अंतराय हो गया, कैसे? प्रमादवश। अगर मेन स्विच ऑफ करते तो अंतराय नहीं होता, मगर आचार्य के साथ जब आहार को निकलते हैं तो इतने श्रावक रहते हैं कि घर भर जाता है, और घर भरते ही किसी के पेट से लाइट चालू होती है तो किसी के हाथ से लाइट चालू होती है, तो अचानक उनका अंतराय हो जाता है तो आचार्य से अंजलि छोड़ देते हैं। छोड़ते ही श्रावक की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि मेरे ही प्रमादवश लाइट चालू हो गई और अंतराय हो गया। और जो अंतराय होता है वो आसाता कर्मों को फिर से बुलाता है। क्या करता है? आज मेरे हाथ से अंतराय आया है तो मैं उपवास कर लेता हूँ, इससे वह बेहतर है कि डबल खाता और आधा घंटा आचार्य की वयावृत्ति कर लेता, क्योंकि आचार्य की वयावृत्ति करने से और भी पुण्य बढ़ता, जो पुण्य घटा है वो और भी बढ़ जाता। इसलिए हमेशा श्रावकों के लिए भी विवेक आवश्यक है। विवेक हर समय अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि आहार देते समय मेरे हाथ से ना चम्मच गिरे ना थाली गिरे, इतना विवेक श्रावकों को होता है कि वो चाहता नहीं कि अंतराय हो जाए, पर क्या होता है? घबराने से वो इधर उधर सामान करने से धोखे से गिर जाती है। तो कुछ नहीं गिरा तो प्रायश्चित ले लेना आचार्य सी से, इसमें आशा था वेदनियों को बुलाने की आश्रय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनिराज जानते हैं कि मेरे भी अंतराय कर्म का उदय है और इनके भी दान देने के अंतराय में अंतराय कर्म का उदय है। तो दोनों का उदय रहते हुए भी मुनिराज क्या करते? समता भाव से उस आश्रय हुआ है उस कर्मों को शांति से टाल देते हैं, ना कि किसी पर गुस्सा करते हैं। ऐसे हमारे जब पहले दीक्षा हुई थी, और ऐसे इंदौर में ही पहली दीक्षा हुई थी हमारी, तो सेवन बलगुल की तरफ जा रहे थे, तो इंदौर की ही घटना है कि जब हमारे आहार चल रहे थे एक घर में, तो एक लड़की ऐसे घबरा रही थी हाथ आहार देने में, जो ऐसे पीछे हट रही थी, उसके माँ को या पिता को बोल रही थी कि नहीं 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 आहार दे ऐसे। फिर हमने जब आहार हमारे होने के बाद वो ऐसे ही उन्हें घबराते एक तो ग्रास दे दी है, फिर हमने बैठने के बाद आहार होने के बाद पूछा कि क्यों घबरा रही हो आहार देने में, तो उसके घर वाले बता रहे थे कि इसके हाथ से एक माताजी को अंतराय हुआ था, तो वो इतनी घबरा रही थी। मगर कितने पाप करने में घबराते नहीं है, मगर पुण्य कर्म में घबराते हैं कि ये पुण्य का अवसर मिल रहा है और उससे पीछे हट रहे हैं। यानी कर्म कैसे बांधना चाहिए इसका भी विवेक हमें ज्ञान से ही होता है, कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही कर्म बनते हैं। कर्म अगर हमसे अंतराय हो गया तब भी इतने डरने की बात नहीं रहती, कि श्रावक इतना डर के फिर आहार देने में घबराता है और महाराज जी के पास जाने में भी घबराता है।
महाराज तो कुछ करते नहीं है, ना किसी को हाथ उठाते हैं, ना किसी को मारते हैं, तब भी शावक घबराता है, ये भय रहता है। मगर इस भय से छुटकारा पाना है तो मन में दृढ़ता से आहार के विवेक रखना चाहिए, और ना कि पुण्य कर्म करने में डरना चाहिए। डरना तो किस बात का चाहिए, तो पाप कर्म के उदय में पाप होने से डरना चाहिए, मगर वहाँ नहीं डरता और पाप करता है। इसलिए हम सबको ज्ञान से ही विवेक है, और विवेक से ही हम हेय उपाधेय का ज्ञान कर सकते हैं। क्या उपाध्याय है, क्या है ये है, ये अपने जीवन में हम जान सकते हैं। नहीं तो इस संसार में अनादि काल से यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र के कारण संसार में भटक रहा है। मगर मुनिराज जो रहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का अपने अंदर हृदय में धारण करते हैं, क्योंकि अनादि काल से इस संसार में भटकते हुए इस जीव ने सच्चे धर्म को जाना नहीं है, जिन धर्म को जाना नहीं है और जिन गुरुओं को जाना नहीं है। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु को जान लेते तो संसार का परिभ्रमण नहीं होता, नहीं तो ये जन्म जरा मृत्यु रोग भय ये जीव के लगे ही है। जो भय रहता है वह आठवें गुणस्थान तक रहता है, मगर जो सच्चे यानी कर्मों को अच्छे करना चाहता है तो उसको किस बात का भय है। सच्चे सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित रहता है, उसे कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि संसार में परिणमन चलते हुए भी नित्य अनित्यता को जानता है। पर्याय तो अनित्य है, मगर द्रव्य, द्रव्यार्थ दृष्टि से देखोगे द्रव्य नित्य है। छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, इनको जानकर हम अपने को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से इस संसार परिभ्रमण से दूर हो सकते हैं। बंधु, जीवन में शांति के चार ही मंत्र है, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं, जाता है तो जाने दो, आता है तो आने दो। वीतराग प्रभु ने यह संदेश सुनाया है, जो होना है सो निश्चित है, वस्तु स्वभाव में आया है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा प्रभु ने जाना है और वैसा ही कथन किया है, वैसा ही हम गुरुओं के पास से इस शास्त्र के माध्यम से हम जानकर हम अपने जीवन जीने की कला और मरण की कला भी अपने हाथ में रख सकते हैं। अधीर भी मरता है और धैर्यवान भी मरता है, क्यों ना हम धैर्य के साथ मरण करें। हम अपना समाधि मरण कर सकते हैं, हम जन्म को तो सुधार नहीं सकते हैं, मगर मरण को सुधार सकते हैं। हम चलते हैं आचार्य जी के पास, जो अपने को ज्ञान दान दे रहे हैं और सब जीवों का कल्याण के मार्ग में लगा रहे हैं। जय बोलो श्री महावीर प्रभु भगवान की। बंधु,
अंतिम तीर्थ है। उर्द्वमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्र भाड़ी मनुष्यो जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग शुभ संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर देव ने संपूर्ण लोक को अलौकिक विद्या प्रदान की है। जितना गहरा अध्यात्म है उतना गहरा सिद्धांत है। अध्यात्म सिद्धांत दोनों का समीकरण जहां पर है वही जीव जिनेंद्र देव के देशना का पुष्कल फल प्राप्त करता है। जहां अध्यात्म का खिंचाव है वहां वस्तु व्यवस्था विखंडित होती है। जहां सिद्धांत का खिंचाव है वह वस्तु व्यवस्था विखंडित होती है। दायां हाथ बायां हाथ दो संज्ञाएं हैं, इसका मतलब भेद है, लेकिन दोनों हाथ तुम्हारे हैं। दायां पैर बायां पैर दोनों पैर भिन्न हैं पर पैर आपके हैं। दाई आंख बाई आंख दोनों आंखें भिन्न हैं पर आंखें आपकी हैं। मित्र दायां कर्ण बायां कर्ण दोनों कर्ण भिन्न हैं लेकिन कान दोनों आपके हैं। मस्तिष्क पैर में भेद है पर दोनों अंग आपके हैं। पेट पीठ में भेद है पर दोनों स्थान आपके हैं। ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों भेद हैं फिर दोनों नहीं आपके हैं। दोनों नहीं आपके हैं भी अज्ञ प्राणी तत्व ज्ञान शून्य है। जो नयों के नाम पर समाज को बांट रहे हैं नयों के नाम पर स्वयं को कसाई भाव से युक्त कर रहे हैं जबकि दोनों नहीं कह रहे हैं मैं स्वयं निश्चय व्यवहार का विरोध नहीं करता। व्यवहार निश्चय का विरोध नहीं करता। अपने अपने विषय की व्याख्या कर रहे हैं। निश्चय नहीं कहेगा निश्चय नहीं कहेगा मैं ब्रह्म स्वरूप की उपासना करता हूं। शुद्ध शुद्ध देशो श्री समय साजी में कह रहे हैं शुद्ध शुद्ध देशो नायुब परम भाव दर्शी। जो परम भाव दर्शी ही शब्द पर ध्यान देखना जो परम भाव दर्शी हैं उन्हें शुद्ध का उपदेश देना चाहिए। जो परम भाव दर्शी हैं जो अपरम भाव दर्शी हैं उन्हें व्यवहार का उपदेश देना चाहिए। अब विषय समझना क्या समझना चाहिए मित्र जो जीव मुनि महाराज की चर्या मात का व्याख्यान करता है वो नैतिकता का पतन कर देगा। जो जीव नैतिकता पर ही सर्वस्व मानता है वो मोक्ष मार्ग का नाश कर देगा। क्या रेस है? मतलब ये है पाटोदी जी मित्र मुमुक्षु भील बाड़ा बेटे हैं कि नहीं संतान है एक के दो दो है ना ये अच्छी बात ये दो हैं। आप विश्वास मानिए भले आपके ही बेटे दो हैं इसको कहने में आपको हिचक नहीं आना चाहिए। आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिल लेना अथवा अपने भतीजे गदिया से पूछ लेना कि आपकी दोनों आंखें एक सी हैं क्या। पूछो जरा आप किसी से पूछ ले किसी भी व्यक्ति की दोनों आंख से एक सी नहीं है दूर से दिखती एक सी है। हर व्यक्ति की एक आंख में छोटे बड़े का अंतर रहता है कहीं भी जरा सा होगा लेकिन होगा।
है। हे मित्र, स्वयं के नेत्रों में अंतर दिखता है तो स्वयं के पुत्रों में भी अंतर होता है। दोनों संतान का स्वभाव एक सा नहीं है। दोनों संतानों को आप काम सौंप देना, वो कहना बेटा आपका कार्य है, तो दोनों पुत्र कहेंगे पिताजी मैंने अपना काम ऐसा किया है, वो कहेगा पिताजी मैंने अपना ऐसा काम किया है। लेकिन पिता यदि नरेश से मिलता है तो कहता नरेश भैया मेरे घर में इतनी संपत्ति आ गई है, बोले दोनों बेटे कमा के लाए हैं, पिता को दोनों में एकत्र दिख रहा है पर दोनों बेटे अपने आप में भिन्न है। सुनते जाना, निश्चय नए व्यवहार न, दोनों नए भिन्न है पर दोनों नियों का जो सौमी है, दोनों नियों का जो सौमी है वो व्यक्ति का अभिप्राय है। निश्चय भी वक्ता का अभिप्राय है और व्यवहार भी वक्ता का अभिप्राय है। मुमुक्षु नरेंद्र भाई, इस हाथ से तुम किस काम को करते हो? दान देते हो कि भोजन करते हो? आपसे प्रश्न ये कि आपका ये हाथ कौन सा काम करता, दान देता कि भोजन कराता है? दोनों करता है। ऐसे करके रख लीजिए, उसे बोलो मित्र दान दो भोजन करो, ऐसे रख देना। फिर प्रश्न है आपका हाथ जो है ना दान देता कि भोजन करता है? ज्ञानी, चार महीना सुनते सुनते हो गए, अब कहीं पथरिया में गुरुजी ने प्रश्न कर लिया भरी सभा में, बोले मुमुक्षु बहुत विशुद्ध सार सुन सुन के आए, बोलो ये आपका हाथ दान देता है कि भोजन करता है? ज्ञानी, ये हाथ न दान देता है न भोजन करता है, ये हाथ न दान देता है न भोजन करता है। हाथ कहता है मेरे बस में कुछ नहीं है, आपके अभिप्राय में है, आपके मन में दान का भाव आता है तो मैं यूं करने लगता हूं, और आपके मन में घृण का भाव होता है तो मैं यूं चला जाता हूं। ओ हो, हाथ क्या करता है, ये किस काम का है? हो गए ज्ञानी, यही हाथ शत्रु आ जाए तो तमंचा ले लेता है, वो यही हाथ मित्र आ जाए तो आगे बढ़ जाता है। क्या अभिप्राय, क्या अभिप्राय! और एक योगी के सामने हाथ से कोई नमस्कार करे तो यूं हो जाता है, क्या जादू इन हाथों में! ओहो, यानी इस हाथ को देख करके लोग पास में आ जाते हैं, इस हाथ को देख करके लोग दूर भाग जाते हैं। बहुत जादू है हाथों में, सारी मुद्रा इन हाथों में रहती है। ओह, इतनी जल्दी ज्ञानी हो रहे हैं आप! सारी जिस व्यक्ति को भाषण करना आता है वो हाथ की मुद्रा बनाना नहीं आता, उसके भाषण फैल है। माँ माई नहीं है बिचारी है, वो तो दूध पिलाना जानती है, दुलार देना नहीं जानती। माँ जितना मीठा दूध नहीं होता है उतना मीठा दुलार होता है।
बालक आदित्य, बेटा माँ यदि यूं कहे आदित्य बुरखा दूध, ऐसे कर दे बुरखा दूध पी लो उठा के, कारखाने की शक्कर तो तूने मिला दी लेकिन अपने बासल की मिठाई नहीं मिला पाई। ठीक है, उस माँ ने बेटे की हत्या की, जिसने ये बोल दिया कि बेटा ऐ वो रखा दूध आदित्य पी ले, उसने बेटे की हत्या कर दी। बेटे की हत्या करती, समझ नहीं पाई मां, उसे मुद्रा का भाषा का ज्ञान नहीं था। माता पिता बनने के पूर्व, गुरु बनने के पूर्व मुद्रा शास्त्र पढ़ना चाहिए, स्वतंत्र मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब पल पल में देखते रहो, मुद्रा शास्त्र पढ़ना चाहिए। बेटे को रखा दूध पी के आ जाओ, भाषा बदली है, आओ बेटा आदित्य मैं सुबह से तेरे लिए दूध रखे थी पियो। दूध में मीठापन नहीं था, मां के वचनों में कितना मीठापन था वो बेटा सोचता है। माँ तेरे दुलार के दूध को मैं बुला नहीं सकता हूं, आ तू मुझे दूध पिला रही है, मेरे तन को बढ़ा रही है, जब तू वृद्ध होगी इसका बदला तेरे धर्म के साथ दूंगा। जितने बालक हैं, माँ ने दुलार से तुमको दूध पिलाया था बेटा, उस माँ के दूध को मत ले जाना। वृद्ध माँ कहे कि बेटा तुम मुझे मंदिर ले चलो, तो मंदिर लेके चले जाना, उस दिन के दूध की याद करना। जब मैं चलना नहीं जानता तब माँ ने बिठाल करके गोद में दूध पिलाया था, दूध की याद रखना। यदि पोत हो तो दूध की याद रखना, यदि पोत हो तो दूध की याद रखना, कुपोत हो तो टेंशन नहीं है, पूत हो तो दूध की याद रखना। परस्पर प्रग्रह जीवाना, सूत्र याद रखना चाहिए, परस्पर प्रग्रह जीवाना, जीव जीव का उपकार करता है। यदि नरेंद्र ने अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, विमल बढ़िया अत्याधी आपने अपने लाल को गोदी में ला करके मंदिर में बैठना सिखाया है, तो बेटे को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे लाल ने मुझे, मेरे पिता ने मुझे गोद में लेकर के मंदिर बिठाना सिखाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने पिताजी को हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाता रहूं। यदि मैं आपको घंटों घंटों उपदेश दे रहा हूं, गुरु ने आपको वासनाएं दी, प्रक्षिणा कराई, धर्म उपदेश दिया है, आमना का उपदेश दिया है, मेरे मित्र प्रक्षिणा का आपको मार्ग दिखाया है, यदि वो गुरु अंतिम श्वास ले रहे हो तो शिष्य का दायित्व है, तुमको जो उन्होंने ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ाए हैं तो तुम एक नमोकार की गाथा नहीं सुना सकती हो क्या? नहीं 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 सारस्वत का मुझे तो प्रभावना करने जाना, पता नहीं तुम कब ऊपर जाओगे, मैं कब तक बैठा रहूंगा। बेटे पुत्र कहता है मुझे धन कमाने जाना है, तुम कब तक जियोगे? और शिष्य कहता है ये प्रभावना करने जाना है, तुम तब तक जियोगे? तो मेरा पिता से और गुरु से कहना है किसी के भरोसे मत जियो, स्वयं के ही शिष्य, स्वयं के गुरु बन जाना, स्वयं ही निर्यापक और स्वयं ही चपक बन के जीना।
निमित्त पवित्र मिल जाए इसे नियोग मानना, वो नहीं मिल पाए निज के गुरु को जागृत रखना 24 घंटे। संपूर्ण मोक्ष मार्ग नरेंद्र भैया अभिप्राय में निहित है, क्रिया के साथ अभिप्राय में निहित है, क्रिया के साथ। इसलिए इस हाथ में दान है कि भोजन है, है? आ हा 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 हा, धन्नो जी, कभी स्वाध्य भी कर लेते हो, कभी स्वाध्य भी कर लेते हो, कभी कभी। इधर आओ, ये ग्रंथ दे देना भैया। मित्र अब कभी कभी नहीं, प्रतिदिन करना है। ये ग्रंथ ले लो आप। इसलिए दिया गया है, इसमें गुरु शिष्य का अधिकार भी है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और मित्र दान का भी अधिकार है। अजीत तुमको अच्छा नहीं लगा? मेरे मित्र पाटनी जी, दुनिया उसकी जेब खाली कराती है, मैंने तो उसको हाथ भराया है। आइए, जितने देश के प्रतिबुद्ध जन हैं अजित, जितने प्रतिबुद्ध जन हैं अजित, उन सब जीवों से कहो, सब जीवों से कहो, यदि तुम ग्रस्त हो अपनी मां को मत छोड़ना, ये तुम साधु हो तो जिनवाड़ी मां को मत छोड़ना। सुना युवाओं, पलाश बेटा ये तू साधु बन गया तो मां जिनवाड़ी को मत छोड़ना, जन्म देने वाली मां को याद मत करना। और यदि काला यदि साधु बन जाए तो मां जिनवाणी को मत छोड़ना, जन्म देने वाली मां को याद मत करना। और यदि ग्रस्त रहे तो जिनवाणी को भी मानना और जन्म देने वाली मां को भी मानना। गद्यप सुन रहा कि नहीं? मानने का मतलब मेरी मां और मेरा पिता है ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरी मां है, मेरा पिता है, कहां है? कहीं कमरे में सड़ रहा होगा, ऐसा नहीं मानना बेटा। मेरी मां है, मेरा पिता है, ऐसा नहीं। वृद्ध माता पिता के शरीर से दुर्गंध नहीं निकले, वृद्ध माता पिता के शरीर से दुर्गंध नहीं निकले। और कहीं गदिया महावीर पाटनी तेरे घर पहुंचे तो उनका कमरा ऐसी चमकते मिले जैसा तेरा कमरा चमक रहा था। ज्ञानी समझ, बेसपूत है, बेकुलंके कुलंकर है, कुल के बेसपूत है, कुल के कुलंकर है। जिनके घर में माता पिता बुढ़े होने पर भी झबला पहने ना मिले, नहीं तो लोग झबला पहनाने लग गए आजकल, समझ गए ना आप? अरे पूरे एक कपड़ा पहना दिया, बुढ़िया को गुड़िया बना देते हैं, बुढ़िया को पुनः गुड़िया बना देते हैं। बस जैसे गुड़िया बनाई उसका सोच गुड़िया जैसा हो जाता है। तुम समझा करो, भेष का प्रभाव पड़ता है। ये पंडित बिना टोपी का आता ना, टोपी और लगा के ना, और सफेद कपड़े पहन के ना, इसका और दिमाग तेज चलेगा। अरे प्रतिदिन बदल के आता, वो सोचता कि मैं मित्र प्रतिदिन बदलने से, देखो अजित बुरा आपको लगता तो मैं तो टेंशन नहीं लेता। पंडित शिखर चंदे भिंड, वो आदमी अपना भेष नहीं बदलता था, तुमको पता होना चाहिए।
जो बस तुम्हारे सिर पर लगा हुआ है उसे बदलना नहीं आप, समझना ध्यान से। हर वस्तु बरगड़ाओं को ग्रहण करती है, बरगड़ाओं को छोड़ती है, तरंगों को ग्रहण करती है, तरंगों को छोड़ती है। आपके ध्वज में पचरंगा है, वे पांचों रंग आपको मालूम नहीं है, क्योंकि अजित मेरा आप सब विद्वानों से कहना है, जितने सभा को समय देते आप, यात्रा को समय देते आप, जितना सभा को समय देते हो ना, उतना स्वाध्याय को भी समय दिया करो। मेरा जगत के सारे मुनिगणों से, आचार्य भगवंतों से, मुनि भगवंत कह रहा हूं मैं, उपाध्यों से, सबसे मेरा कहना है, जितने तुम सभा में सुंदर बन के आते हो उतने कक्ष में सुंदर बैठो, और जितने सभा को समय देते हो उतना स्वाध्याय के समय दो, तो तुम्हारी सभा में मेरे मित्र सोना नहीं बरसेगा, अमृत बरसेगा। जिन भेड़म मूस मिडम विपुल जिन बचनी अमृत है मित्र, जिन भेड़म मूस मिडम जिन वचनी, अरविंद पाड़िया मित्र, जिन बचनी अमृत है, जितना समय सभा को देते हो। अब कब तुम फूलचंद जी, केलाचंद जी, जगमोहन लाल शास्त्री, पन्नालाल साहित्याचार, धर्मलाल कोठिया जी न्यायाचार, पंडित सिकंद जी प्रतिष्ठाचार, यानी बड़े बड़े वरिष्ठ विद्वानों के नाम लेते रहोगे कि अपना नाम भी वहां लेके भेजोगे? अपना नाम भेजने के लिए मित्र स्वाध्याय चाहिए, अपना नाम के लिए। अजीत आपको मालूम है अपने में बहुत अंतर नहीं है, समझ रहे ना? मेरे सामने कितने आचार्य मुनि भगवंत आचार्य बने हैं, मेरे सामने कितने मुनिराज दीक्षित हुए हैं, ठीक है ना? परंतु जिसके सोच ने सोच लिया है कि विपुल सोचता मुझे बर्तन बेचना है, तो बर्तन के ही बारे में सोचेगा, कभी नहीं सोच पाएगा हीरे का दाम कितना है। विपुल बुरा नहीं मानना है, मानो तो हमें टेंशन नहीं, लेकिन मानना नहीं। यानी क्या बेचते हो है? क्या बेचते हो? बस अब इनका सोच कितना रहेगा, इनको मैं हीरे की दुकान पर खड़ा कर दूंगा ना, तब भी इनको तो कांच के लट्टू ही दिखाई देंगे, बराबर है कि नहीं? एक देश में कहीं भी जाएंगे, विदेश में भी जाएंगे, तो इनके मस्तिष्क में क्या रहेगा? विद्युत के उपकरण कहाँ अच्छे मिलते हैं वो खरीद के लाऊंगा, और इन भैया को क्या दिखता है, कहाँ के कांसा बढ़िया मिलता है कि कहाँ का तामा बढ़िया मिलता है, बर्तन के बारे में सोचेंगे, बराबर है कि नहीं? मित्र क्या करते हो? तुम फिर क्या सोचते हो? चने का दाम कितना है? ये मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय लगेगा, आप तो बताओ दुकान के बारे में क्या सोचते हो? उतनी सोचते ना, ठीक है। ज्ञानी श्रीफल क्या बेचते हो? क्या करते हो? ठीक, बहुत अच्छी बात है, इसके आगे कुछ नहीं सोचते। अब सुनिए मित्र, नहर में बहता पानी जब तक, नदी में बहता पानी जब तक, तब तक संभावनाएं अनंत है कि सागर की बूंद बनेगा। नदी में बहता पानी सागर की बूंद बनेगा, नदी में बहता पानी किसी खेत में जाएगा, जंगल में जाएगा, कोई बंदर भालू पी जाएगा, अथवा कोई मुनिराज के आहार के लिए जाएगा, अथवा कोई ज्ञानी कलश लेकर के श्री जी के मस्तक पर ढाले तो गंधु तक बन जाएगा। मेरे मित्र, नहर में बहता पानी, नदी में बहता पानी अनंत संभावनाओं से युक्त है, इसके लिए
प्रवचन सारणी में 47 नयों की व्याख्या है। प्रवचन सारणी ग्रंथ में 47 नयों की व्याख्या, अजी सुनते जाओ सब बातें। प्रवचन सारणी में 47 नयों की व्याख्या है, तो नए समय सारणी में 47 शक्तियों की व्याख्या है। अमृत संसोमे ने 47 शक्तियों की व्याख्या की है आत्मख्याति टीका स्त्री समय सारणी में। आचार्य अमृत संसोमे ने 47 नयों की व्याख्या की है मित्र प्रवचन सारणी में। उस 47 नयों में पंडित जी साहब देव कुमार जी बिराजो, आप तो सुन लो, 47 नयों की जब व्याख्या की है तो उन्होंने दो नये की व्याख्या में लिखा, नियत नये अनियत नये। विषय आगम के सुनते रहना चाहिए अपन को, कारण हम नरेश सेठी को, सेठी है ना, नरेश भीड़वाला, नरेश गोधा को हमने मुनि भक्त तो बना दिया, पिच्छिक मंडल की सेवा करने वाला बना दिया। इतनी शक्ति दी है तो मेरा कर्तव्य बनता है, यदि पिच्छिक मंडल देख करके सेवा करने वाला भक्त बन चुका है गोधा, और कोई यदि दूसरा व्यक्ति पिच्छिक मंडल धारी की अवहेलना करे तो गोधा लाठी न ला करके सास से बात करके समझा सके, इतना योग्य मुझे बना लेना चाहिए। स्वाध्याय की परंपरा मुनिजार नहीं डालेंगे, भगवान महावीर तो बताने अब नहीं आएंगे, इसलिए जितनी सभा में बैठे हैं भले तुम एक लाइन पढ़ो पर प्रतिदिन स्वाध्याय करो। ले सकते नियम, कितने लोग ले रहे नियम, आज से एक लाइन पढ़ना मात्र, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, उससे मालूम लाभ क्या होगा। जब इस बच्चे को छोटा बच्चा समझ के मैंने कल अचानक खड़ा कर दिया, वो शास्त्रीय भाषा बोल रहा था, बाद में मैंने मालूम किया, बोले गुरु जी आपके ग्रंथ पढ़ रहा हूं। ऐसे ही है ना आदित्य, सत्य जो भरा होगा वही तो निकलेगा। तो वहां अजित नियत न अनियत न, सुनिए आप ध्यान से, नदी में बहता पानी अनियत नय से युक्त है, नदी में बहता पानी अनियत नय से युक्त है। आपके बाल्टी में आया पानी अनियत नय से युक्त है, कुएं से खींच के लाए स्वतंत्र भैया अनियत नय है भी। जैसे पानी तुम्हारे गिलास में आया, मुख की ओर गया, अब नियत नय हो गया। मतलब समझ रहे कि समझाऊं, समझ रहे, बाल्टी में जब तक था अनियत था, गिलास में आया नियत हो गया, आपके हाथ में आ चुका है और अधरों पर पहुंच गया है, अब पानी नियत हो चुका है, अब ये पानी न गंधोदक बनेगा, न मुनि के आहार में जाएगा, इस पानी को तो अजित का मूत्र बनना ही है, नियत हो गया। वो जब तो बाल्टी में था अनियत था, गंधोदक बन सकता था। मां आपके बेलन के नीचे लोई आई अनियत न, बराबर सारस्वत जी अनियत न, लोई बेलन के नीचे अभी अनियत है, और जैसी रोटी का आकार मिल गया अभी भी अनियत है, आकार मिला अनियत है अभी, बचिए अभी संभावना है कि तवे पर पहुंचने पर घी नहीं टपकता ऊपर से, तब तक घी टपका नहीं लंबे समय तक तो नियत, और टपक गया थोड़ी देर तो नियत। विषय पकड़ना, एक ही समय में नियत पना अनियत पना वहां आने वाला है, काल भेद लगना थोड़ा सा, थोड़ा सीखते ही
थोड़ा सीखते ही आटा रोटी के आकार का थोड़ा सीखते ही घी पड़ने लग जाए तो पराठा नियत हो चुका है। वो फिर भी घी नहीं डाला, वो मांस सिक रहा है, उठा के चूल्ही के अंदर आ गया तो रोटी नियत है। ऐसे मित्र आप वहां से आ रहे थे और यहाँ देशना मंडप का गेट मिला। जब तक तुम दो लोग एक साथ चल रहे थे, अनियत में चल रहे थे, और जैसे तुम इधर मुड़े तुम्हारा नियत भी उधर मुड़े, उनका नियत। जब तक आयु बंद नहीं हुआ आपका, सुरेंद्र भैया, सुधीर भैया कहां गए मुमुक्षु? तुम्हारे रिश्तेदार कहां गए भैया? जब तक आयु बंद नहीं हुआ तब तक अनियत में हो, विचार लो जल्दी से जल्दी। वो आयु बंद हो गया फिर सर्वज्ञ भी टालने वाला नहीं है, नियत ने में चला गया। श्रेणिक ने नरक आयु का बंद किया, नियत ने में चले गए। फिर तीर्थंकर महावीर स्वामी के श्री समोषण में 18,000 प्रश्न कर लिए, इतनी जिजवाणी सुनी, साक्षात तीर्थंकर के श्री मुख से सुनी, फिर भी नियत नय को टाल नहीं पाए। बोलिए कुछ, टाल नहीं पाए ना, श्रेणिक को नरक जाना ही पड़ा क्योंकि नरक आयु का बंद हो चुका था। संक्रमण हो सकता है, अपकर आयु का संक्रमण नहीं होता, अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, लेकिन आयु का संक्रमण नहीं होता, अपकर्षण हो सकता है। घाताइष्क बद्धाइष्क का उत्कर्षण हो सकता है, घाताइष्क का अपकर्षण होता है, लेकिन मेरे मित्र भुज्यमान का अपकर्षण, ओहो, इन बातों को इसलिए करते रहना चाहिए सुधीर भैया, अपने समधी साहब से इतना सीख लेना कि स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। समधी साहब से कह देना, हमसे इतना सीख लेना, गुरुओं के पास ऐसे खड़े रहा करो। आप समझ ही नहीं पाए मैंने क्या बोल दिया है, समझी हो ना? समझी किस बात से हो गए? उनकी बेटी में आप अपनी बेटीपना देखो, आपके बेटे में भी बेटापन देखें, तब बनोगे समझी। समान धी। अब देखो सुरेंद्र भैया, ये दो को एक की बिटिया को बिटिया मानने लगे, एक के बेटे को बेटा अपना मानने लगे, तो समधी हो गए। जो विश्व को अपना देखता हो उसका नाम समधी साधु परमेष्टी होता है। सच्चा समधी आचार, जो ये चाहता है जगत का प्रत्येक जीव दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर ले, समधी विराजो समधी जी। ओह, नाम के समधी हो जाएं, गदिया पुत्र अपने पिताजी से बोल देना कि जहां मेरी शादी करो दहेज मत मांगना, ठीक है? मतलब करोगे तुम, समझा करो। यहां तो एक चावल से पता करते हैं। अब देखिए मित्र शंभु, नियत अनियत, नदी में बहता पानी अनियत था, जैसे नहर में पहुंचा, नहर से छोटी नहर में गया और छोटी नहर से खेत में पहुंच गया, नियत कि हे पानी अब तू समुद्र की बूंद नहीं बन पाएगा, अब तू इसी खेत में सूखेगा। आ हा हा हा, समझो मैं क्या बोल रहा हूं मुमुक्षु मराठा, सुन ज्ञानी, कि जैसे ही खेत के अंदर गया पानी,
और उस पानी की बूंदों को पता चल जाना चाहिए, अब तुम सागर में मिलकर के सागर बन के मिलकर नहीं रह पाओगे, अब तुमको यहाँ पर खेत के अंदर सूखना पड़ेगा। ऐसे ज्ञानी हो जो जीव जब तक साधी को प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कषाय के भोगों में लिप्त नहीं हुआ, तब तक अन्य तुम्हारा ज्ञान की धारा बह रही थी, और जैसे विषय के समय लिप्त हुए तो जैसे खेत में गया पानी सूख नहीं है, अब तुम्हारा पूरा ज्ञान घर में नष्ट हो जाना है। और जो जीव विषय के समय सुन होकर के चारित्र की धारा में मेरा है, उस जीव का ज्ञान जो है वो सिद्धों के सागर में मिलाएगा। अब विचार कर लो क्या है, जो है सो है, बसा। ओहो, जीवों को देख के बसा। मालूम भैया, मेरा बस चलता होता क्योंकि अपने स्वाधीनता का विषय है। जगत में लोग कहते ना ईश्वर सब कर देता है, यदि मैं वो ईश्वर होता ना, एक भी आदमी को दो गतियों का तो मैं समापन नहीं करा देता, पूरा ताला डलवा देता, क्योंकि ईश्वर की अधीन है ना। राजेश, एक भी नरक का गेट नहीं खोलने देता और एक भी पशु का गेट नहीं खोलने देता, और जितनी जगत में मांसाहार दुनिया के दिखाई दे रहे हैं इस, क्योंकि अब ईश्वर कैसा विचित्र पागल है ये जगत करता ईश्वर। बोल क्यों, जब तुझे मालूम है कि सारा अंश मेरा है तो अपनी अंशों को तुम जन्म देके वो अपनी अंशों में खिलवा रहे हो, अरे क्यों पागलपन कर रहे हो? ऐसा करो, नरक गति समाप्त करो, स्वर्ग भी समाप्त करो, मनुष्य भी समाप्त करो, सब समाप्त करो, सबको परमात्मा अपने पास बिठा लो, ईश्वर है ना। कोई नहीं बिठाना चाहते तो तुम स्वार्थी परमात्मा हो। मैं उस दर्शन में दीक्षित हुआ हूं जहां का परमात्मा ये कहता कि विश्व सागर जी, जो हमने किया वो आप करो, तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं ऐसे ईश्वर की आराधना करता हूं, मैं ऐसे परमात्मा की आराधना करता हूं जो मुझे भक्त बना के नहीं रखता है, मुझे भी भगवान बनने का अवसर देता है। क्या राजेश, इसी धोती दुपट्टा में घूमते रहोगे क्या? मैं तो धोती दुपट्टा छोड़िए, मैं नग्न मुद्रा में रहना भी पसंद नहीं करता हूं। अरे नग्न मुद्रा छोड़िए, मैं शरीर में रहना पसंद नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इस कोशिश कर रहा हूं। अरे सरु अगंधम अवक्तव्यम चिदा गुणम सद्धम जान अलंग घृणम जी मदित संठानम, उस संस्थान शून्य दशा को प्राप्त करना चाहता हूं। संस्थान शून्य दशा को प्राप्त करना चाहता करूंगा, करूंगा, विश्वास निश्चित करूंगा। जिसको विश्वास ना वो दम तोड़े अपने, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अशरीरी भगवान आत्मा के तत्व को जानने वाला अशरीरी भगवान न बन पाए तो जानने का लाभ क्या? आगम समझने के लिए महावीर पाटनी स्वतंत्र भैया बंबई, आगम समझने के लिए आगम नहीं समझना हमको, परमागम समझने के लिए परमागम नहीं समझना है, परमात्मा बनने के लिए परमागम समझना है। कि यही आदित्य अभिषेक है ना बेचारा, कहां गया? बस यही सुनता रहता, निश्चय विवाह, निश्चय विवाह, निश्चय विवाह। बालक भैया मेरा, क्या अड़ोकर परिवार बेटा, इसलिए आप परमागम पढ़ोगे? निश्चय विवाह, निश्चय विवाह, इन बातों को करने के लिए हम परमागम नहीं पढ़ रहे हैं। निश्चय विवाह रत्नात्रेय को प्राप्त करके परमात्मा पद प्राप्त करूंगा, परमागम नहीं पढ़ूंगा, परमात्मा बनूंगा। और मालूम चला कि जब तक दांत दूध के गिरे नहीं,
वो पानी की आए नहीं तब तक, तब से तुमने निश्चय व्यवहार पढ़ना सीख लिया, वो दूध के भी गिर गए, वो पानी के भी गए, अब आयु समाप्त होने का समय हो गया, तब तक निश्चय व्यवहार ही करते रहोगे कि इससे ऊपर भी उठोगे। श्री समय सार जो है वो निश्चय व्यवहार नहीं है बेटा, जो समय सार है वो निश्चय व्यवहार नहीं है। नए पच्चंद कंतो भरण जो सो सो समय सारो, कुंद कुंद भगवंत ने लिखा समय सार जी ग्रंथ में, नए के पद से सुन है उसका नाम समय सार। ए मुक्ता ने पक्ष पातम, ए मुक्ता ने पक्ष पातम, सुबिलीन संकल्प विकल्प जालम, श्रुगुप्तां निवसंत नित्यं तेव साक्षात ममृतं पिबन्ति। अध्यात अमृत कलश आचार्य अमृत चंसो में कह रहे हैं, ए मुक्ता ने पक्षपातम, जिन्होंने नए के पक्षपात को छोड़ दिया है, बिलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प विकल्प के जाल को जिसने नष्ट कर दिया है, संकल्प विकल्प समाप्त हो गया, वो जीव स्वरूप गुप्ताम निसंत नित्यम, नित्य अपने स्वरूप में निवास कर रहा है।